हाजिर है आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम चंद्रमा और बुध के और राहु और केतु के बारे में कुछ ऐसी विशेष जानकारियां दे रहे हैं जो थोड़ी सी शॉकिंग भी लग सकती है आपको, और अगर ऐसा कुंडली में विश्लेषण है तो कोशिश कीजिएगा उससे बचाव करने की, आपके या आपके बच्चों के या आपके हस्बैंड के किसी के भी है। आत्महत्या की सोच, सुसाइडियल नेचर हो जाता है कई बार, बार बार उस तरफ दिशा चली जाती है, डिप्रेशन की तरफ चल जाता है। तो इसके क्या कारण है, ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम कुछ मुख्य बातें देखें तो वो बताने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो डिप्रेशन की तरफ या आत्महत्या की तरफ जाने का जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कमज़ोर है और बाकी लग्न के पहला, चौथा, सातवां, दसवां इन भावों में भी कोई अच्छे ग्रह नहीं बैठे या खाली हैं, यानी कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा, तो चंद्रमा की पावर बढ़ जाती है। और चंद्रमा मन को खराब करता है और कोई ना कोई गलत निर्णय लेने की तरफ चला जाता है। बुध और राहु भी एक ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो कि बुध जो है जिसके साथ बैठता है वैसा बन जाता है। तो बुध अगर राहु के साथ बैठा है तो भी ये अपने निर्णय खत्म कर देगा और राहु के निर्णय चलेंगे, और राहु जो है वो सडन निर्णयों में जो एक्शन होंगे बड़ी तेजी से लेने वाला होगा, और वो गलत निर्णय होंगे, नेगेटिव होंगे। जड़त्व योग बन जाता है, अपने आप को सोचता है कि मेरे से इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति नहीं है, और अपनी सोच के आगे वो किसी की सोच चलने नहीं देता, और इसलिए वो परेशानी में आ जाता है, नेगेटिव तरीके से आत्महत्या की तरफ, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। ये सबसे मुख्य बात है। और गलत सोच कब बनती है, चंद्रमा और राहु के कारण। अगर चंद्रमा और राहु बैठे हैं कौन सी राशि में, वृश्चिक, आठ नंबर राशि, मंगल की राशि में, चंद्रमा भी नीच का होता है, राहु का भी, और ये भी अगर अष्टम में बैठ गए तो काफ़ी प्रॉब्लम है। अष्टम को वैसे ही हम अच्छा भाव नहीं बोलते, छठे में बैठे हैं तो भी दिक्कत है, बारहवें में बैठे हैं तो भी बेकार है, लेकिन अष्टम में बहुत विशेष रूप से ये खराब दिखाते हैं। सूर्य और शनि भी अगर मजबूत नहीं है, सूर्य भी नहीं है मजबूत, शनि भी मजबूत नहीं है, तो भी ये जो इसकी बुध और राहु के कारण जो संयोग बन रहा है वो पावरफुल हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कोई ना कोई गलती से नौकरी नहीं मिली, कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, किसी लड़की ने धोखा दे दिया, तो उसको लगेगा उससे बड़ा कोई इस धरती पे परेशान आत्मा नहीं है, ये एक बात हो जाती है। इन चीज़ों से बचना है तो बहुत सारे उपाय हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। नीच राशि में भी अगर कोई कुछ ग्रह बैठे हैं, जैसे कि कौन सा ग्रह बैठ सकता है, बुध के साथ शनि, इनमें शनि नीच राशि का है, बुध के साथ केतु, बुध अगर नीच राशि का है, 12 नंबर राशि में बैठा है, बुध के साथ राहु बैठा हुआ है, बुध के साथ अगर राहु बैठा हुआ है और नीच राशि के राहु के साथ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार बार सोचेगा मरना तो है, कैसे मरे, कोई कीटनाशक दवाई, जहर, इस तरह की चीज़ें। बुध के साथ केतु बैठा हुआ है, वो भी नीच राशि का है, केतु होता है वृषभ में नीच राशि का, अगर यहाँ बैठा है और अष्टम में बैठा है, खराब ग्रह भावों में बैठा है, तो भी व्यक्ति धर्म कर्म में लग जाएगा। बारहवें में बैठा है, उसका दिमाग सारा चला जाएगा धर्म कर्म के चक्करों में, और उस चक्कर में कोई ना कोई गलत निर्णय लेगा जो उसको शारीरिक हानि पहुँचा सकते हैं। बुध के साथ शनि बैठे हैं, शनि नीच राशि में बैठा है, या बुध की नीच राशि में बैठे हैं बुध और अष्टम में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति गुस्से में आनंदित होकर गाड़ी चलाएगा, और ऐसा व्यक्ति गाड़ी के चक्कर में एक्सीडेंट वगैरह कर लेता है। बुध के साथ मंगल बैठा है, मंगल नीच राशि में है, चार नंबर राशि होती है मंगल की नीच, यानी कर्क राशि में अगर बैठे हैं तो धन की हानि होगी, स्त्री से कोई धोखा मिल गया, उसको लगेगा बस बर्बाद हो गया मैं, और कुछ ना कुछ गलत तरीके से चला जाएगा। ये विवरण बेसिकली इन ग्रहों के कारण होते हैं। और अगर आपकी लगन भी खराब है, 1, 4, 7, 10 में कोई पावर नहीं बैठी, यानी केंद्र भाव खराब हो गया, 11वां भाव भी थोड़ा सा डिफेक्टिव है, भाग्य से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो आप इनके उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और बुध अगर खराब है, नीच का है, तो चारमुखी रुद्राक्ष और बुध का यंत्र बहुत ज़रूरी है, और गणेश भगवान की पूजा। चंद्रमा अगर नीच राशि का है तो चंद्रमा के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली 2 मुखी रुद्राक्ष और यंत्र रख लीजिएगा चंद्रमा का,
और शिव की पूजा करें और इन चीज़ों के रतन मत धारण करना। सिर्फ आपने इनके जो रेमेडी है वो करनी है कि इनसे संबंधित, जैसे बुध है तो हरी चीज़ चारा वगैरह गाय को दान करें, चंद्रमा है तो किसी मंदिर में चीनी चावल या दूध का दान करें या किसी स्त्री को दान करें, पूर्णिमा का व्रत रखें, हीरा और मोती गलती से भी मत पहन लेना, शारीरिक रूप से मेहनत करें और प्रातः काल का सूरज जरूर देखें। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एक निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।